लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद आज मोदी 3.0 सरकार का गठन होने जा रहा है, जिसमें यूपी से भी कई चेहरों को कैबिनेट में जगह मिली है। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी और अपना दल एस की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ गया है, जबकि कई बीजेपी नेताओं को भी फोन आने की संभावना है। पद की शपथ लेने से पहले पीएम मोदी अपनी नई कैबिनेट के मंत्रियों से मीटिंग भी करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नई सरकार का गठन हो रहा है, जिसमें कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी जा रही है। मोदी के नए मंत्रिमंडल में यूपी से भी ना सिर्फ बीजेपी नेता बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों के लिए भी जगह मिल रही है। मोदी 3.0 में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जो खबर अभी तक सामने आई है, उसके मुताबिक राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी प्रमुख और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी को मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है। जयंत की पार्टी ने यूपी की 2 सीटों बागपत और बिजनौर में लोकसभा चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर एनडीए के इस घटक दल ने जीत दर्ज की थी। वहीं मिर्जापुर से चुनाव जीती अपना दल एस के प्रमुख अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आया है। यूपी में अपना दल एनडीए की सहयोगी पार्टी है। बता दें कि बीजेपी को इस बार जो है लोकसभा चुनाव में यूपी की 33 सीटों पर जीत मिली है। यूपी से बीजेपी सांसदों और नेताओं को भी मंत्री पद दिए जाने की संभावना है। मौजूदा रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह को पहले ही मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है। वहीं यूपी से आने वाले बीजेपी बीएल वर्मा को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए फोन आ चुका है। आपको बताते चले कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्री परिषद के सदस्यों के साथ अपने आवास पर 7 बजे से पहले मीटिंग यानी बैठक भी कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में विदेशों से भी कई देश के जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं आएंगे और ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो कड़े इंतजाम हैं वो किए गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर शपथ समारोह में कौन कौन से नेता भाग लेते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट के साथ।